एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9, कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे यमक अलंकार की परिभाषा क्या है अथवा यमक अलंकार का लक्षण क्या है, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर बनता है। यानी यमक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण तथा यमक अलंकार का उदाहरण क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनता है। और यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको यमक अलंकार की परिभाषा रटना ना पड़े, आपको जीवन भर याद रहेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा कि यमक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में आप यमक अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो चलिए, यमक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको हेडिंग डालनी है लक्षण अथवा परिभाषा। यदि लक्षण पूछा गया है तब आप हेडिंग डालेंगे लक्षण, यदि पूछा गया है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तब आप हेडिंग क्या डालेंगे? परिभाषा। और दोनों एक ही चीज है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लिखें यमक अलंकार तब इसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, यानी काले पेन से लिखिएगा। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है क्योंकि इसे आपको काले पेन से लिखना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यमक अलंकार आपको यहाँ पर काले पेन से लिखना है। और क्या हो जाएगा उदाहरण यमक अलंकार का? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है उदाहरण। और यहाँ पर बिल्कुल आसान उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक ब्रंद खिली। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक ब्रंद खिले। और आपने पढ़ा है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यानी दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। और दिए गए उदाहरण में घटा शब्द आप देख सकते हैं दो बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। कौन कौन सा अर्थ है? पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण काफी ज्यादा प्रसिद्ध है यमक अलंकार का, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ पर यमक अलंकार कैसे है और यमक अलंकार की परिभाषा मैं एक बार पुनः दिखा दूं आपको, कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए या दो से अधिक बार आए, वहां पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो जाएं, तो वहां यमक अलंकार होता है। और दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, कनक शब्द दो बार आया है,
कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, यानी पहले कनक का अर्थ दूसरा है और दूसरा जो कनक लिखा है इसका अर्थ दूसरा है। ये दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो मैं पहले उदाहरण का बता दूं, आप स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बृंद खिले। इसका स्पष्टीकरण आप इस तरह से लिखिएगा कि इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है। इस उदाहरण में घटा शब्द आप देख सकते हैं दो बार आया है, यहां पर काली घटा और यहां पर लिखा है घमंड घटा। घटा शब्द कितनी बार आया है? दो बार आया है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। और दोनों घटा शब्द के अर्थ क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं, अर्थात अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ क्या है, यानी पहला जो घटा शब्द लिखा है इसका अर्थ है बादल, और दूसरा जो घटा शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है? कम होना। इसी तरह से जो यहां पर उदाहरण दिया गया है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो दिए गए उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया है और यहां पर एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना है। और दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाता है? धतूरा हो जाता है। और उदाहरण का अर्थ है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। अर्थात कनक जो होता है, धतूरा जो होता है, उसे यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसमें इतना नशा होता है कि वह खाने वाला व्यक्ति बौरा जाता है, अर्थात उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा सोना मिल जाए, तो एक क्षण के लिए उसकी भी मति भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो यमक अलंकार याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, यमक अलंकार याद करने की शानदार और धांसू ट्रिक क्या है कि जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। दोनों का अर्थ हो जाए अलग अलग, वहां पर यमक अलंकार होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, कितनी बार आया है? दो बार आया है, और दोनों का अर्थ क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है, यानी दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए दिए गए उदाहरण में क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और यहां पर भी उदाहरण में लिखा है काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बृंद खिले। यहां पर घटा शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। दोनों का अर्थ क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ जुड़ करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।